फ्रेंड्स, मैं आशमिन ओन ब्यूटी से मेरे चैनल में आप सभी का ढेर सारा बोला वेलकम है। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जिनके ऑयली स्किन है और जिनके ड्राई स्किन है उनको किस टाइप का फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए अपने स्किन के अकॉर्डिंग, और वो अपने स्किन को किस तरीके से पहचान सकते हैं कि उनका ऑयली स्किन है या फिर ड्राई स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो तो मेक श्योर के नीचे रेड कलर का छोटा सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है। और सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा बेल आइकन भी आएगा, उसे बटन से बचा दीजिएगा ताकि जब भी मैं अपना न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आप लोग के फोन में बेल बज सके। और फ्रेंड्स, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा फेस वॉश किसके लिए है और कौन सा फेस वॉश किसे यूज करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा स्किन ड्राई है, ऑयली है या फिर एकदम मिक्स्ड स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है। सो जानते हैं, सबसे पहले कोई सा भी फेस वॉश, जो फेस वॉश आप लोग यूज़ करते हो उस फेस वॉश को आप लोग जाके यूज़ करो, अपने फेस को धो लो, या फिर सबसे बेटर है कि आप पानी से धो लो, 4-5 बार ऐसे ऐसे अपने फेस पर पूरा पानी मार लो, अपने फेस को पैड ड्राई कर लो, ड्राई कर लो अपने फेस को। उसके बाद कोई भी क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइज़र कुछ मत लगाओ, 10 मिनट तक वैसे ही अपनी स्किन को छोड़ दो। अगर आप लोग को लगेगा कि आपके फेस को कुछ चाहिए, कुछ हाइड्रेट करने के लिए चाहिए, अंदर से आपका फेस बहुत ज़्यादा सूखा सूखा लग रहा है, खिंचा खिंचा हुआ टाइप का लग रहा है, तो आप लोग समझ लो कि आप लोग का जो फेस है वो ड्राई स्किन है। और अगर आप लोग फेस वॉश करके आते हो तो आप लोग का फेस नॉर्मल रहता है, लेकिन लगाने के बाद आप लोग जैसे कोई भी फेयरनेस क्रीम लगाते हो, कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाते हो, उसके बाद और भी ज़्यादा फ्रेश, जस्ट लाइक कोई भी फेयरनेस क्रीम लगाते हो, कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लोग लगाते हो, उसके बाद आप लोग का फेस काफ़ी सॉफ्ट फील करता है, काफ़ी अच्छा फील करता है। लेकिन हाँ, जब आप लोग फेस वॉश करके आए थे, आप लोग का फेस कुछ भी मांग नहीं रहा था, कुछ भी डिमांड्स नहीं दे रहा था, अंदर कोई साइन नहीं दे रहा था, बट फिर भी आप लोगों ने कोई भी क्रीम अप्लाई की अपने फेस पर, कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद आप लोग को अपना फेस और भी ज़्यादा अच्छा निख रहा टाइप का लगा, तो आप लोग समझ लो कि आपका कॉम्बिनेशन स्किन है, ना ही ज़्यादा ऑयली स्किन है और ना ही ज़्यादा ड्राई स्किन है, आप लोग का मिडल स्किन है, बीच का स्किन है। और अगर आप फेस वॉश करके आते हो, फेस वॉश करके आते ही बैठते हो, आप लोग को पूरा ऑयलिंग स्वेटिंग आना स्टार्ट हो गया, तब आप लोग समझ लो कि आपका फेस बहुत ज़्यादा ऑयली टाइप का फेस है। और हमें, हमारा जब ऑयली स्किन होता है तो हमें कोई भी पेस्ट भी अपने फेस पर काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना चाहिए, बट या आप मुल्तानी मिट्टी का अप्लाई कर सकते हो, वो नेचुरल होता है, बट मुझे मुल्तानी मिट्टी भी सूट नहीं करता है। मैं जब भी मुल्तानी मिट्टी भी अप्लाई करती हूँ तब भी मेरे को दाना आ जाते, पिंपल्स हो जाते। सो और अब हम लोग तीनों जान चुके हैं, हम लोग सब जान चुके हैं कि हमारा 3 टाइप्स का जो स्किन होता है वो हम कैसे जानेंगे। और सेंसिटिव स्किन मैं आप लोग को बताती हूँ कैसे पता चलता है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तब भी आपके सेंसिटिव स्किन हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन है तब भी सेंसिटिव हो सकते हैं, और ऑयली स्किन है तब भी आपके सेंसिटिव स्किन हो सकते हैं। सो सेंसिटिव स्किन का पता कैसे लगाना है, जैसे हम कुछ भी यूज़ करते हैं या फिर वेदर भी चेंज हो रहा है तो हमारे फेस पर पिंपल्स आ जा रहे हैं, कोई भी अनदर क्रीम हम अप्लाई कर रहे हैं तब भी हमारे फेस पर पिंपल्स आ जा रहे हैं, और पिंपल्स आने के बाद वो पिंपल्स गायब हो रहे हैं तो हमें स्कार्स आ जाते हैं। लाइक लेट मी शो यू, मुझे भी स्कार्स हुए हैं फेस पर, कुछ दिन पहले ही मुझे पिंपल्स हो गए थे, यहाँ पे 4-5 पिंपल्स एक साथ हो गए थे और मेरे को यहाँ पे स्कार्स हो गया। मैं अभी आप लोगों को क्लोज से दिखाती हूँ, मैंने हल्का फुल्का मेकअप कर रखा है फेस पर तो थोड़ा बहुत हाइड हो चुका है, बट पूरा हाइड नहीं हो पा रहा है। मैं इसके लिए मेडर्मा क्रीम अप्लाई करने जा रही हूँ, बट अभी मैंने लिया नहीं बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मेडिकल का है और फेस पर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट या मैं अप्लाई करूँगी और आप लोग को और मेडर्मा क्रीम मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि उससे सारे टाइप के दाग धब्बे सब कुछ हट जाते हैं, तो शायद मेरा ये दाग धब्बा हट जाए। मैं आप लोग को क्लोज से दिखाती हूँ, बहुत ही बेकार लग रहा है फेस पर, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, तो उसको यूज़ करने के बाद मैं उसका रिव्यू आप लोग को दूंगी कि उसे फेस पर यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, और पिंपल्स के जो भी दाग धब्बे होते हैं उसके लिए वो यूज़फुल है या नहीं है। पहले मैं अपने फेस पर ट्राई करूँगी, अगर सूटेबल रहा तो मैं आप लोग के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी जो भी उसका रिजल्ट्स रहेगा, बट उसे पहले मुझे ट्राई करना पड़ेगा 15-20 डेज, फिर आप लोग से शेयर करूंगी। सो मैं आप लोग को क्लोज से दिखाती हूँ। देख सकते हो यहाँ पर मेरे को स्कार्स हो रखा है, छोटे छोटे दाग हो रखे हैं, इस साइड मुझे दाग हो रखे हैं यहाँ पर। सो मुझे इसी सब अपने दाग को इरेज करना है। सो मैं सोच रही थी क्यों ना मेडर्मा यूज़ किया जाए, आप लोग क्लोज से देख सकते हो तब आप लोग को पूरा पता चलेगा, बहुत ज़्यादा दाग हो गए थे मुझे। सो यही सब होता है सेंसिटिव स्किन का पहचान, साइंस ऑफ सेंसिटिव स्किन,
कैसे पहचानेंगे, तो हम लोग जान चुके हैं कि किस टाइप का स्किन कैसा होता है। सो आप लोग पहले अपनी स्किन को परख लो, उसके बाद आप लोग को इजी होगा कोई भी क्रीम, कोई भी फेस वॉश, कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना आप लोग को बेस्ट होगा। अब आप लोग सोचते हो कि हमारा बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो हमें मॉइस्चराइज़र स्किप कर देना चाहिए, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके फेस को हाइड्रेशन चाहिए, उसको सॉफ्ट होना है। ऑयली है तो उससे क्या कि आप मॉइस्चराइज नहीं करोगे तो आपका फेस ड्राई तो नहीं होगा, बट या आपका फेस उतना हेल्दी नहीं रहेगा। हमें हेल्दी रखना है, सो हेल्दी रखने के लिए आप ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो। ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र मार्केट में ईजिली आप लोग को मिल जाएगा, आप लोग ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र आता है। सो बट मॉइस्चराइज़र को प्लीज़ स्किप ना करें, वो बहुत ही बेटर होता है हमारे स्किन के लिए। और अब मैं फेस वॉश आप लोग को बताती हूँ। सो जिसके बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होते हैं उनको कभी भी जेल टाइप फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक क्लियर जेल टाइप फेस वॉश हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए जिनके ड्राई स्किन होते हैं, क्योंकि जेल टाइप फेस वॉश क्या करता है कि हमारे फेस से ऑयल को निकालता है। और आपके ऑलरेडी ड्राई स्किन है तो आप क्या ऑयल आपके फेस में रहेगा जो आप उसे आउट करोगे, आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। सो जिनके ड्राई स्किन होते हैं उनको हमेशा क्रीमी फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। सो मैं 10 क्रीमी फेस वॉश आप लोग को दे दूँगी, साइड में पिक्चर्स विथ प्राइस नेम एवरीथिंग उसका सारा डिटेलिंग दे दूंगी, 10 अलग अलग क्रीमी फेस वॉश के। सो आप लोग को इजी हो जाएगा, प्राइस के साथ रहेगा और उसका मिनी पैक बिग पैक सबका मैं दे दूंगी, क्योंकि इतना सारा फेस वॉश तो मेरे पास है नहीं कि मैं 1 to 1, 1 by 1, 1 by 1 करके आप लोग को दिखा सकूँ कि कौन सा फेस वॉश किसके लिए बेटर है। बट क्या मैं उसका इमेजेस आप लोग को दे सकती हूँ कौन सा फेस वॉश ड्राई स्किन वाले यूज़ करें, क्रीमी टाइप का फेस वॉश होना चाहिए। जनरली डव यूज़ कर सकते हो, गार्नियर यूज़ कर सकते हो, आप डव फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, गार्नियर का फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, पॉन्स का फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, लैक्मी का क्रीमी फॉर्म में जो फेस वॉश आता है आप उसको यूज़ कर सकते हो, लैक्मी का जेल फॉर्म आता है आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका ऑलरेडी ड्राई स्किन है। और भी बहुत सारा हमारा क्रीमी फेस वॉश है, मैं आप लोग को दे दूँगी। सो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ ना, सब बता दूँगी। और अब चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो ऑयली स्किन है वो किस टाइप के फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। सो ऑयली स्किन वाले जनरली क्रीमी फेस वॉश यूज़ ना करें तो उनके स्किन के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऑयली स्किन वाले जेल टाइप फेस वॉश यूज़ करें, जो कि क्लियर जेल टाइप फेस वॉश आता है, जस्ट लाइक क्लीन एंड क्लियर हो गया, लैक्मी का जेल टाइप फेस वॉश हो गया, बहुत सारा हमारा जेल बेस्ड फेस वॉश आता है। सो मैं 10 आप लोग को भी दे दूंगी विथ प्राइस। सो आप लोग को इजी हो जाएगा कि कौन सा फेस वॉश ऑयली स्किन वालों के लिए और कौन सा फेस वॉश ड्राई स्किन वालों के लिए। सो ये आप लोग के लिए बेस्ट हो जाएगा। और ऑयली स्किन वालों के लिए क्रीमी फेस वॉश इसीलिए यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि आप डव फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, गार्नियर का फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, पॉन्स का फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, लैक्मी का क्रीमी फॉर्म में जो फेस वॉश आता है आप उसको यूज़ कर सकते हो, लैक्मी का जेल फॉर्म आता है आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका ऑलरेडी ड्राई स्किन है। और भी बहुत सारा हमारा क्रीमी फेस वॉश है, मैं आप लोग को दे दूंगी। सो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ ना, सब बता दूंगी। और अब चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो ऑयली स्किन है वो किस टाइप के फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। सो ऑयली स्किन वाले जनरली क्रीमी फेस वॉश यूज़ ना करें तो उनके स्किन के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऑयली स्किन वाले जेल टाइप फेस वॉश यूज़ करें, जो कि क्लियर जेल टाइप फेस वॉश आता है, जस्ट लाइक क्लीन एंड क्लियर के लिए क्रीमी फेस वॉश इसीलिए यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑयली फेस वॉश में मॉइस्चराइज़र होता है, बहुत टाइप के ऑयल्स होते हैं जो कि हमारे फेस में वो तो फिर से ऑयल ही दे देगा और आप लोग को तो बहुत ही एक्सेस ऑयल है। सो नॉर्मल करने के लिए आप लोग को जेल टाइप का फेस वॉश यूज़ करना चाहिए और जो लोग ड्राई स्किन वाले हैं उन लोग को अपना फेस नॉर्मल रखने के लिए क्रीमी टाइप का फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। और जिनके कॉम्बिनेशन स्किन है वो इन दोनों में से कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकता है। कॉम्बिनेशन स्किन वालों को उतना नहीं सोचना है, बट या अगर आप लोग का सेंसिटिव स्किन है तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप लोग को किस टाइप का फेस वॉश अप्लाई करना चाहिए अपने फेस पर ताकि आप लोग का फेस क्लियर रह सके। सो फ्रेंड्स, मैं इसके बाद आप लोग को पूरा इमेजेस दे दूंगी, सब वन बाई वन सब देख लेना आप लोग, जो आप लोग के बजट में रहे, जो आप लोग को बजट फ्री लगे उसको आप लोग ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर होगी हमारी आपकी मुलाकात, टिल देन बाय बाय। अभी आप लोग मत जाओ, अभी आप लोग इमेजेस देखो मेरी तरफ से, बाय बाय। तू जो नजरों के साथ
सुन जालमा मेरे सानू कोई डर ना की समझेगा जमाना।